हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। सतीश चंद्र आपका दोस्त आज फिर हाजिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि लोग किस प्रकार से फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं, किस प्रकार से हैकर के शिकार हो जाते हैं, और शिकार होने के बाद किस प्रकार से उनके अकाउंट से पैसा निकल जाता है और खुद लोग निकाल देते हैं किस प्रकार से। तो बने रहे हमारी वीडियो में, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले मिले आपको। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आता है यूपीआई, यानी यदि आप लोग यूपीआई चलाते हैं तो आपको बहुत ही संभल के चलानी चाहिए, क्योंकि जो फ्रॉडिया होते हैं वो किस प्रकार से आप लोगों के ऊपर जाल फेंकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप यूपीआई चला रहे हैं, तो आपका जिस नंबर पे यूपीआई चल रहा है वो यदि हैकर के पास है, फ्रॉडिया के पास है, तो वो क्या करेगा, आपका मोबाइल नंबर डालेगा। जब मोबाइल नंबर डालेगा तो आपका नाम जो है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। जब आपका नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा तो आपके पास वो कॉल करेगा और पूछेगा, जैसे कि मान लीजिए मेरा नाम सतीश चंद्र है, तो मेरे पास वो कॉल करेगा और कहेगा, और सतीश भाई ठीक है, तो इस प्रकार से बात करेगा, जैसे कि मान लीजिए आपका दोस्त या फिर कोई मित्र या फिर आपका कोई रिश्तेदार बात कर रहा है, तो इस प्रकार से बात करेगा और बोलेगा कि हमारे अकाउंट में अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है और यूपीआई से मेरे में पेमेंट नहीं आ रहा है, तो कृपया करके ऐसा कीजिए, आप जो एक दोस्त मेरा पेमेंट डालने वाला है तो वो मैं आपके अकाउंट में डलवा दूँ 10,000 या 20,000, वो इस प्रकार से कहेगा। तो आप लोग यदि कह देंगे हाँ डलवा दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो वो क्या करेगा, एक लिंक भेजेगा आपके फ़ोन पे में और कहेगा कि फ़ोन पे ओपन कीजिए, वहाँ पे टू कॉन्टेक्ट में जाइए, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करिएगा और जो पे का ऑप्शन आ रहा होगा पे पे आप क्लिक कर दीजिएगा और अपना यूपीआई पिन डालेंगे, तभी आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यहीं पे बात समझने वाली है, क्योंकि जब भी कोई भी पेमेंट आता है तो आपको पे वाले ऑप्शन पे बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना पड़ता है, आपको पता भी नहीं लगता है और आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। तो यहीं पे समझने वाली बात है। और दोस्तों, ये समझने वाली बात है कि आप लोग कभी भी अपना जो यूपीआई पिन रहता है उसको बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि आपके अकाउंट में पैसा आएगा तो आपको पिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से ठगी चल रही है। तो दोस्तों, इस प्रकार से यदि कोई फ़ोन कॉल्स आते हैं तो आप लोगों को बच के रहना है। और दोस्तों, अभी मैंने देखा एक जो बंदा था वो मेरे पास आया, तो उसने क्या किया कि फेसबुक पर लोग क्या करते हैं, ऐड डाल देते हैं। जैसे ऐड डाला, जैसे कि मान लीजिए 20,000 का फ़ोन है, वो 10,000-7,000 में डाल दिया और इस प्रकार से उसमें अपना कॉन्टैक्ट नंबर या फिर अपनी कुछ भी डिटेल इस प्रकार से कि उसे कॉन्टैक्ट हो जाए, ऐसी डिटेल डाल देते हैं। डालने के बाद क्या करते हैं कि कोई भी बंदा उसके पास यदि कॉल लगाता है, जब कॉल लगाएंगे आप लोग, तो जब कॉल लगाएंगे तो उस बंदे के पास जाएगा, तो वो बंदा कहेगा हाँ आपको इतने में फ़ोन मिल जाएगा। जब फ़ोन मिल जाएगा तो वो क्या कहेगा कि 1199 आपको पे करने होंगे, आपको ये बुकिंग करवानी होगी। उसके बाद बोलेगा कि जीएसटी चार्ज का आपको पैसा भरना पड़ेगा 2,000, 2,200, 2,500। इस प्रकार से वो आपसे पैसे मंगाता रहेगा, क्योंकि दोस्तों कल की ही बात है, क्योंकि मेरे पास इस प्रकार का बंदा आया तो वो बता रहा था कि फेसबुक से उसने नंबर लिया, नंबर लेने के बाद उसने कॉल किया, कॉल करने के बाद उसने कहा कि आपको इतने में ये फ़ोन 7,000 में मिल जाएगा, तो उसके 7,000 रुपए भी चले गए और उसे पैसा भी और उसे फ़ोन भी नहीं मिला। तो दोस्तों, इस प्रकार के फ्रॉड से बचना है। यदि आपको कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या फिर इस प्रकार की वेबसाइट से आप लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग करनी है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि जो हैकर्स हैं, जो फ्रॉडिया हैं, वो किस प्रकार से आप लोगों को जाल में फंसते हैं, फंसने के बाद क्या करते हैं, आपके अकाउंट से पैसे निकलवा लेते हैं, आपके सामने से आप अपने हाथों से पैसे निकाल देते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के फ्रॉड से बचें। आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि इस प्रकार का फ्रॉड यदि होता है तो आप लोग बिल्कुल से सतर्क रहेंगे और इस प्रकार के फ्रॉड से बिल्कुल ही बचे रहेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।